मदलीपुर चिट्ठी आई है किट्टी। अरे वाह मेरी चिट्ठी आई है, देखो देखो क्या लिखा है चिट्ठी में। ये लो। क्या बदलीपुर खतरे में, आज शाम 5 बजे तक भेजाएगा। ओफो ये क्या क्या खतरा हो सकता है बदलीपुर को। चलो मैं फटाफट तारा के पास जाती हूँ और उसे सारी बात बताती हूँ। लगता है आधा फुल के लिए एक नया केस आ गया है। तारा तारा मेरे पास एक चिट्ठी आई है और देखो इसमें लिखा है बदलीपुर खतरे में है। बदलीपुर खतरे में? हाँ हाँ इसमें तो ऐसा ही लिखा है। अदरक कहाँ है? चलो अदरक के पास चलते हैं। अदरक के बिना किसी की चाय नहीं बनेगी। अरे अदरक क्या हुआ, उदास क्यों हो भाई? अरे हुआ क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? कल मैं भूमिलाल के घर गया था, कल मैं भूमिलाल के घर गया था, उसके चाचा आए और उसकी बॉडी की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कितनी अच्छी बॉडी बना रखी है, कितना सुंदर है, रोज कसरत करता है और मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं? आज के बाद मैं अपने लुक्स पर ध्यान दूंगा और अपनी बॉडी बनाऊंगा, कसरत करूंगा और कुछ नहीं करूंगा मैं। अरे भाई शरीर की बनावट के बारे में तो लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, वो सोचते समझते नहीं है। जब भी लुक्स के बारे में यानी हमारे रूप रंग के बारे में, शारीरिक बनावट के बारे में, डील डॉल के बारे में बातें होती हैं ना अक्सर, तो वो शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें कहलाती हैं, जिसे हम बॉडी टॉक कहते हैं। बॉडी टॉक करना कितना हानिकारक है। भूमिलाल को देखो, जब उसके चाचा ने उसकी तारीफ की तो उसका सारा समय कसरत में जाने लगा, उसका समय बर्बाद होने लगा। और जब भूमिलाल के चाचा ने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो तुम भी तो परेशान हो गए और अपने लुक्स को लेकर उदास हो गए। वैसे भी हमारे पास लुक्स के बारे में सोचने से ज़्यादा टाइम नहीं है और हमारे लिए जरूरी है हमारा अगला केस। क्या अगला केस मिल गया हमें? अरे हाँ बदलीपुर खतरे में है, खतरे में। क्या बदलीपुर खतरे में पड़ जाएगा? हाँ देखो ये चिट्ठी आई है, इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि बदलीपुर आज बह जाएगा। पर कैसे? बदलीपुर के बाहर एक बांध है, कहीं इशारा उस तरफ तो नहीं? हो सकता है, और शायद हमें हाथी की भी जरूरत पड़े। अरे अदरक तुम जाके जरा भूमिलाल का हाथी तो ले आओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा भूमिलाल के यहाँ। अरे इस समय ये काम बहुत जरूरी है, तुम वो बातें छोड़कर जल्दी से हाथी को लेकर आओ। अरे जाओ, अब तुम समझ गए हो ना कि बॉडी टॉक कितना खतरनाक है। अगली बार जब चाचा जी लुक्स को लेकर बातें करें तो उन्हें वही रोकना और उन्हें ये सब बातें समझाना जो हमने तुम्हें बताई। चलो तारा हम फटाफट बांध की तरफ चलते हैं। उधर चला जाना। अरे अदरक भूमिलाल के घर आया। कहो अदरक कैसे आना हुआ? बदलीपुर खतरे में है। बदलीपुर खतरे में है, मुझे तुम्हारे हाथी की जरूरत है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। मैं नहीं चल सकता, मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा, कसरत करूंगा, फिर घर से बाहर निकलूंगा। चाचा जी मेरी तरफ से इसे और ज्यादा गंभीरता से लेंगे, इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इतने जरूरी काम के लिए टाइम नहीं है? बदलीपुर खतरे में है, चलो तुम बनाओ अपनी बॉडी और मैं जा रहा हूँ बदलीपुर को बचाने। दे दो अपना हाथी मुझे। अरे लगता है ये बांध में तो छेद हो गया है और पानी बहता जा रहा है, अगर इसे रोका नहीं तो बांध टूट जाएगा। रोकेंगे ना, आधा फुल रोकेगा। देखो अदरक आ गया। अरे अदरक जल्दी आओ, अदरक जब से भूमिलाल के चाचा ने उसकी बॉडी की तारीफ करी है वो तो अपने लुक्स पर ही ध्यान दे रहा है और उसे जरूरी काम भी ध्यान नहीं दिया कि बदलीपुर खतरे में है। अरे तुम भूमिलाल को छोड़ो और हमें बस अपने काम पर ध्यान देना है। मैंने प्रधान जी को सूचित कर दिया था, वो गांव वालों की मदद लेने लेकर आते ही होंगे। अदरक तू हाथी को छेद के पास खड़ा कर, शायद पानी रुक जाए। लो मैंने खड़ा कर दिया और पानी रुक गया है।
मतलब तुमने बहुत अच्छा किया कि ये गांव वालों को बहने से बचा लिया, ये हाथी को पानी रोकने के लिए ये हल्ला दिया है, बहुत अच्छा कार्य किया आपने। और थैंक यू खुबीलाल जो तुमने अपना हाथी हमें दे दिया था। और फिर उसके बाद इस बात की खबर अखबार में छपती है और अखबार में बदलीपुर की टीम आधा फुल का फोटो हाथी के साथ आता है और चाचा जी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं कि फोटो में हाथी तो है लेकिन खुबीलाल नहीं है। चाचा जी आपकी बातों में आकर के मैंने बॉडी बनाने ताकि मैं बॉलीवुड हीरो का तरह दिखूं, अदरक ही तो असली हीरो है। असली हीरो मैं नहीं, असली हीरो तो ये हाथी है जिसने छेद रोककर पानी के बहाव को रोक दिया। चाचा जी मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आगे से कभी भी आप किसी की बॉडी को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे अदरक चिंता में पड़ गया था और अदरक के साथ साथ खूबीलाल की चिंता में पड़ गया था, क्योंकि उसे चिंता हो गई थी बॉडी बनाने की और अदरक को चिंता हो गई थी कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, तो इसलिए आप मुझसे वादा करें आज के बाद किसी के भी बॉडी को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे, जो जैसा है अच्छा है, वादा कीजिए। काम से बनता है लुक से नहीं। और उसके बाद तीनों बच्चे हाथी पर बैठकर निकल जाते हैं और हाथी की चिंगाड़ के साथ गूंजती है गूंज आधा फूल जिंदाबाद, आधा फूल जिंदाबाद, आधा फूल जिंदाबाद।